हेलो फ्रेंड, आज हम सूजी का बर्फी बनाएंगे। सूजी बर्फी बनाने के लिए ये 1 कप सूजी है मेरा, नाप में ये 200 ग्राम सूजी है, तो चलिए इसको बना लेंगे। अब सबसे पहले कढ़ाई चढ़ाएं गरम होने के लिए, गैस का फ्लेम ऑन कर देते हैं, उसको गरम होने देते हैं। और आधा कप मेरा घी है, तो घी में ही हम बना रहे हैं। आप चाहे तो वनस्पति घी में भी बना सकते हैं या ऑयल में भी बना सकते हैं, तेल में। घी को गरम होने देंगे, घी गरम हो गया है तो सूजी डाल देंगे और गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे। सूजी को ज़्यादा भूनना नहीं है, इसको चला लेंगे और गैस का फ्लेम मीडियम ही रखेंगे, नहीं तो डार्क हो जाएगा। ज़्यादा डार्क नहीं करना है इसको। हम हलवाई स्टाइल बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा बनेगा ये सूजी का बर्फी, और इसको चलाते रहें। इस मिठाई को बनाने में ज़्यादा मेहनत भी नहीं है, टेस्ट भी बहुत अच्छा है। सामान सबसे कम चाहिए मिठाई बनाने के लिए, कम सामान में बन जाता है एकदम परफेक्ट। इस बर्फी को बनाने के लिए सूजी पीसने का ज़रूरत नहीं है, बिना पीसे बहुत ही अच्छा बन जाता है। बिल्कुल कच्चा पर निकलने तक इसको भूनना है, क्योंकि जितना ये अच्छे से भुनेगा उतना देर ज़्यादा दिन आप स्टोर इसको ज़्यादा दिन स्टोर करके रख सकते हैं। सूजी का रंग बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है, जिस तरह हम आज आपको बताने वाले हैं 100 गुना टेस्ट बढ़ जाएगा, बहुत ही अच्छा बनेगा। देखिए सूजी एकदम फुली फुली हो गई है, कि आप घी में इसको भुनेंगे उतना अच्छा इसका टेस्ट आएगा। इसको चलाते रहेंगे, कहीं कहीं से ज़्यादा पक जाएगा और कहीं कहीं से कम पकेगा। परफेक्ट हो गया है ये, कलर भी चेंज नहीं हुआ है, तो इसको गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। और देखिए ये मलाई है मेरा, जो दूध के ऊपर मलाई पड़ता है वही मलाई है, और गैस का फ्लेम अभी ऑफ है, तो इसको डाल देंगे। देखिए कितना मलाई है, आप चाहें तो कम भी डाल सकते हैं, और इसको चलाते रहेंगे। बहुत ही अच्छा टेस्ट बढ़ जाएगा सूजी में, लगेगा कि मावा बर्फी खा रहे हैं। इसको चलाते रहेंगे, सूजी एकदम नरम बन जाएगा, क्रीमी टेक्सचर हो जाएगा, बहुत ही टेस्ट बढ़ जाएगा। गैस का फ्लेम लो है, मैं फिर से आपको बता रही हूँ। देखिए एकदम अच्छे से मलाई मिक्स हो गया है, चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। अब एक सॉस पैन लेंगे, गैस का फ्लेम ऑन कर दिए, 1 कप चीनी भर के डालेंगे, आधा कप पानी डालेंगे, इसको चीनी को मिला लेंगे, इसको गैस का फ्लेम मीडियम से थोड़ा सा हाई रखेंगे, एक तार से कम चाशनी बनाएंगे। फ्लेवर के लिए हम इलायची डाल रहे हैं, आप चाहें तो केसर के धागे भी डाल सकते हैं। देखिए मेरा चाशनी बन चुका है, एक तार से थोड़ा कम है, ठीक है, तार हल्का हल्का टूट रहा है। इसका फ्लेम ऑफ कर देंगे, वापस से फिर सूजी वाला कढ़ाई चढ़ाएंगे। अभी गैस का फ्लेम ऑफ है, सिर्फ कढ़ाई को चढ़ाए हैं। ये देखिए पाउडर वाला दूध है सूखा, इसको डाल दिया आधी कटोरी, चम्मच से 4 चम्मच होगा, और इसको मिक्स कर लेते हैं, क्योंकि सूजी मेरा एकदम ठंडा हो चुका है, एकदम मावा वाला टेस्ट आएगा। अगर ये सूजी है तो इसमें अगर कुछ नहीं डालेंगे तो सूजी का ही टेस्ट आएगा। इसके लिए हम कोकोनट ग्रेट किया हुआ है, ये नारियल का बुरादा मिलता है, नहीं तो आप सूखा नारियल का भी घर में ला के भी बना सकते हैं। इसको डाल दिए, इससे डालने से क्या होगा, सूजी का टेस्ट नहीं आएगा खाने में, एकदम बहुत ही अच्छा लगेगा खाने में बर्फी, तो आप एक बार ज़रूर डालें। इसको मिक्स कर लिए, अच्छे से मिक्स करना है, बहुत ही अच्छा बर्फी लगेगा खाने में, एक बार ज़रूर ट्राई करें। गैस का फ्लेम अभी बंद है, जब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो गैस का फ्लेम ऑन कर देंगे। अब अच्छे से मिक्स हो गया तो गैस का फ्लेम ऑन कर देंगे, और जो चाशनी बना के रखे थे
उसको थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और इसको मिक्स करेंगे और लो फ्लेम पे ही करेंगे इसको। चाशनी को सारा डाल दिए और मिक्स करेंगे इसको, एकदम दानेदार बन जाएगा। देखिए इसको अच्छे से मिक्स कर लिए हैं। इसको पकाना नहीं है, बस मिक्स करना था। तो गैस का फ्लेम ऑफ कर लेंगे। पहले आपको चेक करके दिखाते हैं कि पता कैसे करें कि हुआ है कि नहीं अभी तक बर्फी बनने लायक। तो इसको एक बर्तन में लेंगे, प्लेट में देखिए तो ये बनने लगे इस तरह से, तो इसका मतलब है कि ये बहुत अच्छे से बन चुका है बर्फी मेरा। देखिए कितना अच्छे से बन रहा है। गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। इसको एक थाली में निकाल लिया, कटोरी की सहायता से इसको अच्छे से फैला लेना है। फैला के आपको तब दिख, इसको अच्छे से सेट कर लिए हैं। तो इसमें थोड़ा सा आप काजू डाल, काजू या पिस्ता बादाम कुछ भी आप डाल सकते हैं जो आपका मन हो। इसमें हम बादाम डालेंगे या बादाम का कतरन थोड़ा सा लगाएंगे आपका मन। अगर नहीं आप चाहते हैं तो इसमें बिना लगाए भी आप इसको सेट कर सकते हैं। देखिए बिल्कुल मेरा तैयार है बर्फी, सूजी का बर्फी। लेकिन ये अभी खाने के लिए तैयार नहीं है, इसको सेट होने के लिए आधा घंटा के लिए छोड़ देते हैं। आधे घंटे में सेट हो जाएगा। देखिए तो बर्फी मेरा सेट हो चुका है, कितना अच्छा बर्फी बना है। तो इसको हम काट के भी दिखाते हैं आपको। देखें घर के सामान से ही बन जाता है बर्फी और बहुत जल्दी बन के तैयार भी हो जाता है। अगर बर्फी की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो फ्रेंड, तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। ये काट लिए बहुत आसानी से निकल भी जा रहा है, तो इसको एक एक करके निकाल लेते हैं। आप इसको एयर टाइट डब्बा में रख के स्टोर भी कर सकते हैं, ये ख़राब भी नहीं होता है। तो देखिए बर्फी सर्व कर लिए हैं, बहुत ही अच्छा बर्फी बना है। तो आप इंजॉय करिए फ्रेंड। अगर हमारी रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो आप लाइक ज़रूर करिएगा और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिएगा।